हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग माने प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर एग्जाम पाई आ खूब कम समय रही। तो संबलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा 12 जुलाई 2022 रु सिक्स सेमिस्टर एग्जाम आरंभ हो जिवो। तो सेथिपाई आज आम गोटे प्रबंध साहित्य मु सत्यधर्मा कहूँ प्रबंध साहित्यर केते गुडिया सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। मुझ ट्राए करी अधिकरू अधिक सर्ट क्वेश्चन और लंग क्वेश्चन प्रोभाइड करने। तो चलत आज वीडियो आम आलोचना करवा। मु सत्यधर्मा कहूँ यही प्रबंधटर लेखक होती चंद्रशेखर रथ। तो यही भिडियो आम आलोचना करवा। मु सत्यधर्मा कहूँ प्रबंधर केत गुट सर्ट क्वेश्चन। तो सांग मैंने देखत प्रथम सर्ट क्वेश्चन रही प्रावंधिक चंद्रशेखर रथों विषय संक्षेपर लेख। तो ये प्रावंधिकों विषय लेखकों विषय संक्षेप्त लिखापी कहुई। तो ये आम लिखा ये देखता यार उत्तर हे यार उत्तर हे ओडिया प्रबंध साहित्य आकाश में जड़े श्रेष्ठ प्रावंधिक भाव में प्रावंधिक चंद्रशेखर रथ बेस प्रतिष्ठित। से जड़े सफल औपन्यासिक और गल्प्रष्टा रूप से कृतित्व प्रशंसन अटे। 1929 अक्टोबर मस 17 तारीख दिन बलांगीर मालपड़ा ग्राम से चंद्रशेखर रथ जन्मग्रहण करते। तो सांगे यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आम जब कौन लेखकों विषय कहे लिखुं बायोग्राफी विषय लिखिले तो जन्म मसीहाटा आम निश्चित भाव में लिखा। तो यार उत्तर हम कौन ना चंद्रशेखर रथों जन्म हो 1929 अक्टोबर मस 17 तारीख दिन देखो गोटे लिखा जाइए 1929 1929 अक्टोबर 17 आउ आड्रेसटा हूँ कौटिना बलांगीर मालपड़ा ठारे लेखक चंद्रशेखर रथ जन्मग्रहण करते। मसीहाटा टी इम्पोर्टाट कर मन रखिए ये लिखाई 1929 अक्टोबर मस 17 तारीख दिन बलांगीर मालपड़ा। तो आम जाणिले लेखक चंद्रशेखर रथों सृष्टि संपद गुड़िक है जंत्रारूढ़ असूर्य उपनिवेश नवजातक। तो निहाती भाव आम दुईटा जिनस फोकस करवा जिते आम कौन कवि विषय लिखुं। तो कविंर आत्मजीवनी एवं कवि द्वारा रचित होता प्रसिद्ध पुस्तक गुड़िक लेखक पाई उपाधि गुड़िक ये तीनो जिनसक आम मुख्य भूमिका रूप लिखा निहाती लिखा जरूरी अटे। तो ये आम मसीहा जाने 1929 अक्टोबर 17 और तर आड्रेस होना बलांगीर जिलार मालपड़ा ग्राम से रचित पुस्तक गुड़िक हूँ जंत्रारूढ़ असूर्य उपनिवेश पुस्तक नवजातक इत्यादि उपन्यास गुड़िक। तांकर प्रबंध गुड़िक है मन अरण्य दृष्टि और दर्शन अश्रुत स्वर मु सत्यधर्मा कहूँ यह एक प्रबंध आम जो आलोचना करूँ आम विषय मु सत्यधर्मा कहूँ गल्प अनेक बन्या परे इत्यादि सबुजाक स्वप्न अश्वारोहीर गल्प यह एक प्रबंध सम्राट और अन्यान्य गल्प। तापर रही मु सत्यधर्मा कहूँ प्रबंध 1977 मसीह रचित कराइला। तो आमे जो आलोचना करूँ आम सिलेबस जो विषयटी जो प्रबंधटी जार नाम हूँ मु सत्यधर्मा कहूँ लेखक चंद्रशेखर रथ। तो यही विषयटी 1977 मसीह प्रावंधिक चंद्रशेखर रथों द्वारा रचित होता। तो मसीहाटा कौन ना 1977 मसीह। तो आम ये कविंर जन्म मसीहा जाणिले कविंर परिचय जाणिले कवि द्वारा रचित केते गुड़े पुस्तक विषय जाणिले एवं आमे आलोचना करूथिबा मु सत्यधर्मा कहूँ प्रबंधटर जन्म रचित मसीहा आम जाणिले जोटा कि 1977 मसीह लिखा जाता एक नंबर क्वेश्चन। तापर आम ये देखा देखो दुई नंबर प्रश्न कौन कही सक्रेटिस किए तो यार उत्तर हे सक्रेटिस जे सत्यधर्मा से ग्रीक्र जे विशिष्ट दार्शनिक सत्यपाई से मृत्यु को मध्य आपणे नहीं थे। तो आम जानते सक्रेटिस जे ग्रीक्र दार्शनिक सक्रेटिस सत्यपाई मृत्यु को मध्य आपणे नहीं थे। तीन नंबर ये देखा आम सक्रेटिस कहीं जनसाधारण मध्य ज्ञान वितरण करते। तो यार उत्तर हे ग्रीक राजनीति और समाजनीति संस्कार आने पर सक्रेटिस साधारण लोकों मध्य ज्ञान वितरण करते 449 ख्रीटपूर्व एथेन्सर सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थिले सक्रेटिस। तो ग्रीक्र दुईट नगर राज्य आम जानते एथेन्स आउ स्पार्टा। तो एथेन्स रे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बोली सक्रेटिस को गणा जाऊला मसीहाटा कौन थे ना 449 मसीहा बेलू ख्रीटपूर्व बेलू एथेन्स रे सक्रेटिस को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बोली लोक मैंने मानुले। तापर आम देखा ये चार नंबर प्रश्न कौन रही है देखो चार नंबर प्रश्न लिखा जाइए सक्रेटिस कहीं बंदी होते। तो यह एक
इम्पोर्टेंट जिनस सक्रेटिस को काहीं बंदी कर काठगड़ा ठिया कर तो यार उत्तर हे सेतेबेले ग्रीक थिला राजतंत्र अंधारी शासन द्वारा आच्छादित तो जेतेबेले सक्रेटिस को बंदी कर ग्रीक रे राजतंत्र शासन चली तो सेतेबेले ग्रीक थिला राजतंत्र अंधारी शासन द्वारा आच्छादित तेणु ग्रीक रो शासक निज शासन गादी हरैबा आशंका कर सक्रेटिस को देशद्रोही कहि बंदी करथिले तो ग्रीक रो राजा माने ग्रीक रो राजा सक्रेटिस को देशद्रोही कहि तांको बंदी करथिले काहेकि ना राजा को भय थिला सक्रेटिस को सद्वाणी बा हितोपदेश द्वारा लोक माने सक्रेटिस को बेसी मानिबे एवं तांको राजगादी हटी जीव बोली से भय करी ग्रीक रो राजा सक्रेटिस को भय करी तांको देशद्रोह आरोप लगाई तांको बंदी करथिले एवं तांको मृत्युदंड देवा उद्देश्य रे तांको विरोध रे नाना अभियोग फर्द दाखल करथिले तो विभिन्न प्रकार मिथ्या अभियोग सक्रेटिस को ऊपर लगाई थिले ग्रीक रो राजा तापर आमे देखिबा पांच नंबर प्रश्न अठी कौन रही सक्रेटिस विरुद्ध क्यों सब अभियोग गुड़िक लगी तो आम चार नंबर में जान लें सक्रेटिस को मिछ अभियोग कोर्ट को निया तो एबे देखिबा क्यों क्यों अभियोग गुड़िक सब क्यों क्यों मिछ अभियोग गुड़िक सब सक्रेटिस नाम लगी सक्रेटिस विरुद्ध क्यों मिछ अभियोग गुड़िक अणा जाता चलत यह देखा देखो उत्तर हे सक्रेटिस विरुद्ध अभियोग गुड़िक सब है प्रथम अभियोग से देशद्रोही तो यह सांग मैंने इम्पोर्टाट भाव मन रखिए कारण एग्जाम एगुड़ सब आसवा संभावना रही तो सक्रेटिस विरुद्ध प्रथम द्रोह कौन थी प्रथम दोष कौन थी से होंगे देशद्रोही द्वितीय आरोप थी राष्ट्रधर्म से विरुद्ध आचरण करती तो द्वितीय आरोप थी सक्रेटिस विरुद्ध जे सक्रेटिस राष्ट्रधर्म विरुद्ध आचरण करपर तीन नंबर अभियोगटी सक्रेटिस नास्तिक तो आम तीन टी जानले देखु प्रथम होची सक्रेटिस देशद्रोही द्वितीय होची सक्रेटिस राजधर्म विरुद्ध आचरण करुछंती तृतीय होची कौन ना सक्रेटिस जने नास्तिक तापर चतुर्थ होची सक्रेटिस मंदिर मस्जिद गुड़ी को अस्वीकार करती मानती ना तापर अच्छी सक्रेटिस धनी मानी ज्ञानी मान सर्वसम्मुख अपमानित तो लाछित करती कह चार नंबर अभियोग तापर ये देखु अभियोगटी तापर नेक्स्ट अभियोगटी है तरुण मान से प्रभावित करती परवर्त अभियोगटी लगी तरुण मान सक्रेटिस प्रभावित कर उशृंखल दिग्भ्रांत कर सक्रेटिस तरुण मान कुशिक्षा देपर सर्वशेष से निजक पंडित मन अहंकारी भाव उपस्थापित करो यह तो युड़िक जब आलोचना कले एगुड़िक सब हूँ अभियोग सक्रेटिस विरुद्ध अभियोग तो आउ थ मुझ आलोचना करदेवि देखु प्रथम हूँ देशद्रोही द्वितीय हूँ से राष्ट्रधर्म को मानती ना बा सक्रेटिस राष्ट्रधर्म विरुद्ध आचरण करती तृतीय हूँ सक्रेटिस जड़े नास्तिक से मंदिर मस्जिद को अस्वीकार करती चतुर्थटी है सक्रेटिस धनी ज्ञानी लोक मान सर्वसम्मुख अपमानित और लाछित करतीपर लिखा जा सक्रेटिस तरुण मान प्रभावित कर दिग्भ्रांत करती तरुण युवक मान सक्रेटिस कुशिक्षा दिंती सर्वशेष सक्रेटिस निजक सर्वज्ञानी बा सबुठारु ज्ञानी बोली मन कर अहंकारी भाव प्रदर्शन करती कह तो पांचटी अभियोग सक्रेटिस विरुद्ध सक्रेटिस आम देखा छः नंबर प्रश्न कौन रही सत्यधर्मा कहूँ विषय छः नंबर सर्ट क्वेश्चन हो पार देखु विचारपति आगे सक्रेटिस कौन कही कह तो यह जानवा जे जितेबाला कोर्टे सक्रेटिस को ठिया कर तो सक्रेटिस विचारपति आगे कौन कही यार उत्तर हे देखु विचारपति आगे सत्यनिष्ठ सक्रेटिस कही जहाँ कह सत्य कह सत्य व्यतिरेक मिथ्या कह से न्यायालय विचारपति आगे सत्य कथा ही कहे व्यक्त करते से निष्ठार सहित जीवन सत्य संधान करिसंती बोली मध्ये से कहिले तो सक्रेटिस दीटी कथा एठारे तो सक्रेटिस दीटी कथा कोर्टे आनी कोर्टे आगरे कही प्रथम कथाटी है से जहाँ कहे सत्य कहे सत्य छड़ा मिथ्या कहे ना यह आम भारतीय कोर्ट बा भारतीय अदालत में देखा मिले फिल्म आम देखी तो आम जमी गीता छुई शपथ करूँ मुझे जहाँ कह सत्य कह सत्य छड़ा अन्य किसी कह भी तो सक्रेटिस से शपथ कले तापर से कहले सक्रेटिस कहले मु जीवन सारा सत्य और निष्ठार
ସନ୍ଧାନ କରିଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାତ ନମ୍ବର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ରହିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକ୍ରାଟିସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ତ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକ୍ରାଟିସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ତଥା ବାଗ୍ମୀ ସକ୍ରାଟିସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସକ୍ରାଟିସ୍ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ସେ ମତ ଦେଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏହା ସକ୍ରାଟିସ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କୋର୍ଟରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ତ ସକ୍ରାଟିସ୍ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଦେବତା ମନ୍ଦିରକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସକ୍ରାଟିସ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବତା ବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗୀର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଚରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ସକ୍ରାଟିସ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୀର୍ଜା ମସଜିଦ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜିର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଗ୍ମୀ ସକ୍ରାଟିସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଗ୍ମୀ ସକ୍ରାଟିସ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଗ୍ମୀ ସକ୍ରାଟିସ୍ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଗ୍ମୀ ସକ୍ରାଟିସ୍ କହନ୍ତି ଯେ କୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଆଦ୍ୟ କୁଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଲେ ସେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆଜୀବନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତ ସକ୍ରାଟିସ୍ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ସକ୍ରାଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି, କୁଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଦିଏ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୁଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ କୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ମୋର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ବା କେହି ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ ବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜୀବନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସକ୍ରାଟିସ୍ କହନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଠ ଗୋଟି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟଧର୍ମା କହୁଛି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟାରର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।